उत्तर प्रदेश के मऊ में भागीदारी संकल्प मोर्चा की एक रैली के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने इस सभा के दौरान कहा कि यूपी की योगी सरकार ने पिछड़ी जाति के लोगों के साथ धोखा किया है। राजभर ने यह भी कहा कि 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव को मऊ लेकर आए हैं। मोदी जी कहलन कि मैं स्टेशन पर चाय बेचता था और भीख मांग के 40 साल खाया, हिमाय किए, उसके बाद 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात में थे 7 साल से। मऊ में ओम प्रकाश राजभर के साथ सभा करने पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जमकर कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस सरकार ने प्रदेश में योजनाओं के नाम बदले हैं और शिलान्यास कराया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कोरोना के जिस वक्त में लोगों को सरकार की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, योगी सरकार उस वक्त गायब नजर आई। सरकार ने मदद नहीं की, आपको बेसहारा छोड़ दिया, आपके ऊपर कोई मदद का सहारा नहीं रहा। आप बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए भेजते। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बुधवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कानपुर के सजेती इलाके में बुधवार सुबह मिट्टी का एक टीला धस गया जिसमें 9 लोग दब गए। इस घटना में सास बहू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 7 लोगों को रेस्क्यू किया और सभी को कानपुर के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने मंगलवार को रोहिंग्या गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में दाखिल कराने वाले इन लोगों को चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग अपना असली नाम छुपाकर दस्तावेजों में हिंदू नाम दर्ज कराते थे और इसके आधार पर सभी कागजों का निर्माण कराते थे। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बनाकर म्यांमार और बांग्लादेश से कूट उचित दस्तावेज बनाते थे और सभी लोगों को भारत में अवैध रूप से दाखिल कराते थे। कानपुर में बीजेपी के विधायक भगवती सागर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक जिले के पनौ पूर्वा गांव में पुलिस के अफसरों पर एक दलित शख्स की हत्या का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां के गांव में 2 गुटों के आपसी संघर्ष के बाद आनंद कुरील नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। बीजेपी विधायक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि अधिकारियों के शह पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। विधायक ने यह भी कहा कि कुछ अफसर उनकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। वही वाला तो सर बता रहे हैं, अभी ये बताए हैं।